देखिए, एक साल पहले मैं लाखों लोगों के साथ मिलकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल गया। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा था। हमारा लक्ष्य जो बीजेपी ने नफरत फैलाई है, हिंसा फैलाते हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का था। सब लोग, ये देश जानता है कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत, भाईचारा और इज्जत का देश है। इसलिए हमने यात्रा में नारा दिया, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब सवाल उठता है कि देश में बीजेपी नफरत क्यों फैलाती है, हिंसा क्यों फैलाती है, डर क्यों फैलाती है। भाइयों और बहनों, मैं आपको आज भाषण में दो बातें बताना चाहता हूं। नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम, आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। बीजेपी का लक्ष्य, आरएसएस का लक्ष्य कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, आदिवासियों को, दलितों को धन ना मिल जाए। वो चाहते हैं कि धन हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। वो चाहते हैं कि इस सोने की चिड़िया का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में रहे, अरबपतियों के हाथ में रहे और आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग इस धन के बारे में सवाल ना उठाए। यहां आदिवासी बैठे हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी और वनवासी शब्द में क्या फर्क है? आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के, इस धरती के, भारत माता के पहले मालिक थे। बात समझिए, बात समझिए, इस देश में जो भी जमीन है, जो भी जल है, जो भी जंगल है, वो सबसे पहले आदिवासियों का हुआ करता था। अब इस शब्द के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं और अगर हम इस बात को मानते हैं कि आप इस देश के पहले मालिक हो, तो हमें आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार देना पड़ेगा। बीजेपी ने नया शब्द निकाला, धूमधाम करके, ढोल बजा के आपको कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो।
वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। भाई और बहनों, वनवासी के कोई अधिकार नहीं है। वनवासी का मतलब आप तो जंगल में रहते हो, आपको जमीन का अधिकार थोड़ी हो सकता है, आपको जल का अधिकार, जंगल का अधिकार थोड़ी हो सकता है, आप तो जंगल में रहते हो, आप तो जानवर जैसे हो। वनवासी का यह मतलब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने किसी बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर, किसी कुत्ते पर पेशाब करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। मगर आपने बीजेपी के एमएलए को मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब करते हुए देखा है। यह इनकी सोच है। आपको कहते हैं हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीख लेना, मगर अगर आप बीजेपी के किसी भी नेता से पूछो, भैया आप कहते हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखना, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम। सारे के सारे बीजेपी के बच्चे, अमित शाह के बेटे, राजनाथ सिंह के बेटे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सबसे अच्छी नौकरियां कॉल सेंटर, आईटी, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, सबसे अच्छी नौकरियों के लिए आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। और वो चाहते हैं कि आदिवासी जंगल में रहे, बीजेपी के एमएलए उन पर पेशाब करें, वीडियो वायरल करें, और आदिवासी युवा ना पढ़े, ना लिखे, ना अंग्रेजी बोले। मैं चाहता हूं कि आदिवासी युवा अगर पायलट बनना चाहता है, अमेरिका में हवाई जहाज में जाना चाहता है, उसका हक बनता है। लॉयर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आप असली असली मालिक हो इस जमीन के, हक बनता है। कांग्रेस पार्टी पैसा कानून लाई, जमीन अधिकरण बिल लाई, ट्राइबल बिल लाई, मनरेगा लाई, आपके अधिकारों की रक्षा करने के, आपको अपना अधिकार देने के लिए। बीजेपी ने पैसा कानून रद्द कर दिया, जमीन अधिकरण बिल रद्द कर दिया, और आपका आप पर पेशाब करके कहते हैं भैया आप लोग वनवासी हो। पहले हर भाषण में नरेंद्र मोदी आदिवासियों को वनवासी कहता था, उसके भाषण देख लीजिए, आप वनवासी हो। जैसे ही मैंने यह बात बोली कि वनवासी में और आदिवासी में फर्क है, और नरेंद्र मोदी खबरदार आपने वनवासी शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने वनवासी बंद कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक आदिवासियों की अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। आपके साथ खड़े होके आपके बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, फ्री में स्वास्थ्य दिलवाएंगे, मुफ्त में स्वास्थ्य दिलवाएंगे, और आपका जो जमीन पर, जंगल पर, जल पर हक बनता है वो आपको दिलवाएंगे। तो यह हुई बात आदिवासियों की। अब चलिए पिछड़ों की बात करते हैं। देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है,
मगर लोग जानते हैं कि कम से कम 50% आबादी पिछड़ों की है। जिस दिन मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण दिया और मैंने कहा कि देखिए, अगर हम पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देना चाहते हैं, देश में अधिकार देना चाहते हैं, तो हमें दो चीजें पहले पता लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले, किसकी कितनी आबादी है, आदिवासी कितने, दलित कितने, ओबीसी कितने, जनरल कास्ट के लोग कितने। सबसे पहले जाति जनगणना की जरूरत है। अगर हम अधिकार की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो कितने लोग कौन सी जात के, कौन से समाज के हैं, वो तो पता लगाना ही पड़ेगा। इसको हम जाति जनगणना कहते हैं। और दूसरा सवाल, हिंदुस्तान का जो धन है, सोने की चिड़िया का धन है, उसका कितना भाग आदिवासियों के पास है, कितना जनरल कास्ट के पास, कितना ओबीसी के पास, कितना दलितों के पास, ये पता लगाना पड़ेगा। इसके बिना देश आगे जा ही नहीं सकता। इसके बिना भागीदारी की बात करना बिल्कुल खोखला है। अगर हमें यह नहीं मालूम कि कितना धन किसके पास है और किसकी कितनी आबादी है, तो भागीदारी की बात कैसे करेंगे। तो मैंने पार्लियामेंट में साफ कहा कि भैया, पहला कदम देश का एक्सरे करना है। जैसे किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं भैया एक्सरे कराओ, टांग टूटी नहीं टूटी, हाथ टूटा नहीं टूटा, अब लोगों को दर्द हो रहा है, देश में आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को दर्द हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही बात, दर्द क्यों हो रहा है, इसलिए जाति जनगणना देश का एक्सरे है, यह पहला कदम है। अब मैंने यह पार्लियामेंट में बोला, नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करिए। यूपीए के समय हमने आंकड़े निकाले थे, देश को दिखा दीजिए। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बिल्कुल बदल गए। पहले यहां राजस्थान में आते थे, मध्य प्रदेश में जाते थे, छत्तीसगढ़ में जाते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में 10-15 बार मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, जिस दिन मैंने कहा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में एक ही जात है, गरीब। हिंदुस्तान में ना ओबीसी, ना आदिवासी, ना दलित।